भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर एजेंसी मालिक पर एक किसान का ट्रैक्टर बिना अनुमति के बेचने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही एएसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान एमपी चौक पर इकट्ठा हुए और ट्रैक्टर एजेंसी मालिक के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 महीने पहले किसान अमृतपाल सिंह ने जसपुर अड्डा के पास एक एजेंसी पर अपना ट्रैक्टर ठीक कराने के लिए दिया था। वहां पर एक पार्ट न मिलने से उसने ट्रैक्टर वहीं छोड़ दिया। काफी समय बाद भी जब पार्ट नहीं मिला तो एजेंसी मालिक ने नया ट्रैक्टर दिलाने की बात कही और 2.5 लाख रुपए भी ले लिए। इसके बाद एजेंसी मालिक ने ट्रैक्टर बिना उसकी मर्जी के बेच दिया, जिसकी शिकायत किसान ने पेगा चौकी में की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिसके बाद किसानों ने एएसपी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। एएसपी अभय सिंह ने मामले में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सदस्य हैं अमृतपाल सिंह, वो ये मड़िया के रहने वाले हैं। एक पाठक जी हैं जो न्यू होलैंड एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने इनसे बात की, इन्होंने ट्रैक्टर लेने की बात की कि आप हमें सेकंड हैंड ट्रैक्टर दीजिए अपना और 2.5 लाख रुपया दीजिए, हम आपको नया ट्रैक्टर देंगे। इन्होंने आज से लगभग 10 महीने पहले अपना ट्रैक्टर भी दे दिया और 2.5 लाख रुपये भी दे दिए। उन्होंने लगभग 1 महीने का इनसे वादा किया था कि 1 महीने में हम आपको डिलीवरी दे देंगे। आज 10 महीने हो गए, ना तो अभी तक ट्रैक्टर दिया है उन्होंने ना उनके पैसे दिए हैं अभी तक, और इनका ट्रैक्टर पता लगा है कि बिना पूछे हरिद्वार में किसी आदमी को बेच दिया गया है। ट्रैक्टर इनके नाम है, बेच किसी और आदमी को दिया है। और इन्होंने हर जगह ये चौकी में भी गए, थाने में भी गए, एक्जिम साहब के भी यहाँ पर गए, इनके पास लिखित में एप्लीकेशन हैं। अभी तक ना तो कोई सुनवाई हुई, ना इनका ट्रैक्टर बरामद करवा के दिया गया, ना उन पाठकों जी पे 420 का अब तो नई धारा आ गई, उस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, ना इनके पैसे वापस करवाए गए। आज उसी मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चे की टीम यहाँ पर पहुँची है। आपस में सलाह करके अब हम एएसपी साहब के पास जाएंगे, जरूरत पड़ी तो वहीं पर ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तुरंत इन पे दबाव बनाया जाएगा कि पाठक जी पे मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजने का काम करें और किसान को उनका ट्रैक्टर और उनके पैसे बरामद करें। आज इसी के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। धन्यवाद। हमारी समस्या ये कि अपने अजय ट्रैक्टर कंपनी जो जसपुर रोड पे है, अजय पाठक उसका मालिक है, जो हमने ट्रैक्टर अगस्त के महीने में सर्विस के लिए दिया था, उसमें कोई सर्विस में कोई दिक्कत थी तो वो कह रहे हैं ये ट्रैक्टर का पार्ट ऑफ लिया था तो अभी हमें ट्रैक्टर दे दीजिए, आपको नया ट्रैक्टर दे दिया। इन्होंने हमारा ट्रैक्टर भी लिया और हमसे 2.5 लाख रुपये भी निकाल दिए और आज दे देंगे कल दे देंगे, करते करते 6 महीने निकाले। 6 महीने के बाद हम इनके पास गए तो हमें पता लगा कि हमारे ट्रैक्टर की हमें बिना बताए NOC निकलवा रहे हैं। जब आई टी एफ में गए तो आई टी साहब से बात की तो आई टी साहब ने कहा कि आप अपना नंबर नोटिस में करवाइए। यहाँ तक करके करते हुए जब पूछा तो कह रहे नहीं हम तो वैसे सीन करवा के रख रहे हैं, हम आज ऐसे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, आप फिर नहीं चलवाते। तो फिर हमने इसकी तहरीर हमने कोतवाली में और एडिल साहब यहाँ पे 24 तारीख में और कोतवाली में 25 तारीख में दी। तो उसके एप्लीकेशन देने के बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई और ना ही हमें आश्वासन दिया गया कि आपका ट्रैक्टर में वापस दिलवाया जाएगा। तो यहाँ तक कहीं भैया, यहाँ एक किसान के साथ चालीस हुई, हमारे किसान बढ़िया गाँव के रहने वाले हैं, उन्होंने एक कंपनी में जाकर अपना ट्रैक्टर कराना किया और 2.5 लाख रुपए दिए। उसके बदले में उन्होंने 1 साल पहले कहा था कि हम नया ट्रैक्टर आपको देंगे, तो 2.5 लाख रुपए भी उन्होंने दे दिए और 6.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर भी दिया। 1 साल बाद आज तक उनको लगातार ही वो बेवकूफ बनाते रहे, लगातार कहते रहे हम ट्रैक्टर आज दे रहे कल दे रहे, लेकिन थक गए 1 साल से। इन्होंने अपनी जमीन भी किराए पर जुटवाई, लेकिन आज ये हम लोग इकट्ठा होकर एसपी साहब के पास जा रहे हैं कि हमारी यहाँ पे कोई किसी चौकी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने चौकी में वहाँ अपना पूरी लड़ाई थी थाने में भी, और बल्कि चौकी के लोगों ने इनसे कहा कि जहाँ पे ट्रैक्टर हो गया है अगर वहाँ गए तो आपके खिलाफ रिपोर्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग परेशान हो गए, ये सारे किसान आज इकट्ठा हुए हैं, एसपी साहब के पास जा रहे हैं अपना दुख दर्द कहने के लिए। और वो एक जिम्मेदार और ईमानदार व्यक्ति है, हमें पूरा भरोसा है कि इन किसानों के साथ में पूरा मुझे आएगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।